सुनो बॉयजेस, फार्म हाउस, यासिर हुसैन और यारिस, ये तीनों चीजें कैसे कनेक्टेड हैं? और बारबेक्यू भी समझ नहीं आ रहा होगा, दो सेकंड दो, सब समझा दूंगा। हे गाइस, दिस इज मी मूसा, नाम तो सुना होगा। काफी ज्यादा चीजें और काफी कुछ कवर करना है, तो मैं अपनी बकवास जो है बंद करता हूँ एंड लेट्स गेट टू दिस स्टोरी। अच्छा, आई होप यू आर स्टिल लिसनिंग। नानू अपने बॉयजेस के साथ ब्रंच वगैरह कर रहा था और मैं जो है सैमी के साथ भैंसों के पास जा रहा था और अलहदा अलहदा एक्सप्लोर कर रहा था। किधर किधर भाई, किधर? उस साइड से नहीं जाना। फार्म हाउस आए हुए हैं और ये गाय हैं और पता नहीं भैंसे हैं, और सैम को कहा कि मतलब इनके अंदर से जाओ तो फिर हम ना उधर ऊपर कहीं जाएंगे। तो अब देखते हैं क्या सीन है सैम। ऑब्वियसली कोई भी नहीं जा सकता है, ड्रामे ही लगा रहे हैं, लेकिन लेट्स सी। ये कितने साल का होगा ये वाला? महीने का है? इतना बड़ा? ओ भाई आराम से। अच्छा, पहाड़ के इस पार नया पाकिस्तान हाउसिंग सोसाइटी है अपेरेंटली। पहली दफा मोटरवे पे चलान हो रही है, अंकल मेरा कह रहे हैं मेरी गाड़ी जाती ही 140 पे, और ये पता नहीं इन्होंने मेरा चलान कैसे कर दिया। मुझे यार चलान हुआ है दूसरी दफा जिंदगी में और बहुत दुख है मुझे, बहुत गम है। मैं क्या बोलूं, मेरी गाड़ी चलती ही 140 तक है, लेकिन जुल्म हुआ है यार आपके बॉय के साथ। पेशावर वापस आ गए हैं, मेरे अच्छे बनेंगे कि कोई नहीं, चले में बहुत अच्छे होंगे यार। अच्छा, ऐसे होता है ना जब आप एक चीज़ को बहुत ओवर हाइप कर देते हो और मतलब जब आप उसको एक्सपीरियंस करते हो तो द एक्सपीरियंस इज जस्ट अटर लाइक मैकडॉनल्ड्स। कुछ ऐसे ही हुआ है इस्लामाबाद टेस्ट पे। इतना बकवास था कि मुझे नाम भी भूल गया था ऑलमोस्ट। बकवास क्यों था खुद देख लो। अभी सारे हेट कमेंट्स नीचे आएंगे कि ये तो बड़ा फिट लग रहा है, ये बकवास कर रहा है, लेकिन ऑनेस्टली लाइक मैं अपना पर्सनल ओपिनियन दे रहा हूँ, इट वाज वेरी बैड। मतलब एक हद ही हो गई थी बुरा होने की। क्राउडेड था बहुत, गंदा, कंजेस्टेड, खाना गंदा, मतलब लोग गाने वाले भी इतने कोई अच्छे नहीं, इट वॉज जस्ट बैड। सरोज ने नहीं, मेहरान लिए, ओ सॉरी आई मीन यारिस लिए, और वो बहुत अच्छी गाड़ी है। अगर आप लोग लेना चाहते हैं तो लिंक इन माय बायो, बिल्कुल भी नहीं तो क्या कहते हैं, आई डोंट नो लाइक प्लीज, ये ऑकवर्ड हो गया, आई एम सॉरी। ओके, नो, वेरी बैड कार, शुड नेवर बाय इट, पैसे हो तो ना ले प्लीज। ओ हाँ,
यासिर हुसैन से मैं मिला था, क्या कहते हैं, उधर सीक्रेट स्काई पे. और मतलब मैंने उसके साथ जाके ना पर्सनली सेल्फी ली थी. मतलब वो सच एम्पावरिंग एक्सपीरियंस. मतलब एक इतना बड़ा सेलिब्रिटी, यू नो, मैं बहुत खुश हुआ था उससे मिलके. ये दिस इज द वीडियो यार, वॉच इट गाइस. ये देखिए, ये मैं हूँ. अच्छा, आई हैव टू अपोलोजाइज. मेरी जो है ना वो बुक जो थी पॉजिटिव थिंकिंग एवरी डे, वो पेशावर रह गई है यार. एंड लाइक आई एम रियली सॉरी, लेकिन ऑब्वियसली वी विल बी डूइंग अ कोट एवरी डे लाइक आई डू. तो आज का कोट यार ये देखो, आज का कोट ये है कि नजर आ रहा है, पीपल बिगेन टू बिकम सक्सेसफुल द मिनट दे डिसाइड टू बी. हार्वी मैके. दैट वॉज इट फॉर द ब्लॉग. थैंक यू फॉर वॉचिंग. ऑलवेज इट मीन्स लॉट. ऑलवेज रिमेंबर टू स्माइल. अल्लाह हाफिज़.